So welcome back guys to a new video. Myself DMC from channel named DMC Army. हाँ guys, मैंने मेरा channel का name बदल दिया है. पहले DMC ध्रुव था, DMC Army हो गया है because मेरे 30 subscribers खत्म हो गए. तो हाँ, मैंने मेरे wish list में था कि मेरे जब 30 subscribers खत्म हो तब मैं मेरा चैनल का नाम चेंज करके DMC आर्मी रख लूँगा, क्योंकि अभी मैं इधर 30 जन को खड़ा करूँगा तो बहुत होते गाइस. और अगर आपने मेरा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला वीडियो नहीं देखा, गुजराती डिस्कशन, तो उसमें मेरे 100 व्यूज़ हो गए. और गाइस, मैंने एक नई चीज़ ढूंढी है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको. सो गाइस, आपको पता होगा कि हमने ये पाउडर बनाया था. सो गाइस, आपने पाउडर ऐसे रखा होगा, तो अगर आपके पास स्ट्रीट बिस्किट है तो उसको ये पाउडर के अंदर डालो और बाद में ऐसे मिक्स कर दो तो ये हो जाएगा. तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ हो जाएगा और इसकी कोटिंग बहुत जल्दी जाती नहीं है. तो मैं मीटअप की बिस्किट्स यूज़ करता हूँ. और अगर आपके डॉग में कैल्शियम कम है तो आप इसको बिस्किट दे दो तो ये खुश हो जाएगा. अभी मैंने वैसे उसको 2 बिस्किट दिए तो अभी मैं उसको नहीं दूंगा. और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा कि कैसे पाउडर बनाते हैं, तो इधर लिंक आई कार्ड होगा, मैंने सीखा है अभी, तो आई कार्ड होगा. सो गाइज, अभी बज रहे हैं 5:23 इन द इवनिंग एंड द टेम्परेचर नहीं पता मेरे को, वो बस सब बोलते हैं ना ऐसे, इसके लिए मैंने भी बोल दिया. तो ये है हमारे मैकचंद. तो गाइज, आपने देखा होगा मेरा हस्की, उसका नाम है जैक, और वो मेरा हस्की नहीं है, वो मेरे भाई का फ्रेंड का है. सबको ऐसा लग रहा है कि वो मेरा हस्की है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट रखी थी. तो ये है मेरा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लो गाइज. और अभी मेरा ट्राइपॉड मिल नहीं रहा तो पता नहीं क्या करूँगा मैं. अभी मैं ऐसे हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वैसे अच्छा तो है. और अभी मेरी साइकिल भी बारिश में बाहर रखी हुई थी तो अब मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा रस्ट ना हो जाए इसके गियर्स में, इसकी डिस्क ब्रेक्स में. तो अभी मैं इसको ऊपर ले लूँगा और मैं ऊपर के फ्लोर पे रख दूँगा, ऊपर मतलब ऊपर के ऊपर फ्लोर पे रख दूँगा. तो चलो मिलता हूँ. सो गाइस, कैसे लगे टाइमलेस बता देना कमेंट में, मैंने अभी तक देखे नहीं अच्छे है कि नहीं. सो गाइस, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया. सो गाइस, अभी अरे यार मैं भूल गया, चलो याद आता है तो बोल. सो गाइस, अभी मैक का दांत टूट गया, मैं आपको दिखाता हूँ. अरे ये कब का ज़ूम था, सॉरी गाइस. तो अभी मैं का दांत टूट गया, तो अगर आपके डॉग का भी दांत टूट जाता है, या तो वो 3 मंथ का है, 4 मंथ का है, अप्रॉक्स 5 मंथ का है, कुछ नहीं होता. ये अभी कुत्ता गिरा मेरी अट्ठे पे से. ए! सो अभी मैक भी भागम भाग करेगा इनके पीछे, ये सब मस्ती करते तो मैक को भी करने जाना होता है. पर ऑफकोर्स इनमें वो सब होता है, वो क्या बोलते हैं, लिक्स होते हैं उनके अंदर, तो मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देता. तो अभी मैं जाऊंगा वसंत के घर पूछने कि मेरा ट्राइपॉड किधर है, क्योंकि वो ट्राइपॉड मेरा नहीं था, वो मेरे फ्रेंड का था, यशराज का, तो वो गुम गया है. तो उसको मेरे को जवाब देना पड़ेगा, अगर वो मेरा होता तो मेरे को कोई टेंशन नहीं. तो चलो मैं उसको पूछने जाता हूँ. सो गाइस, वैसे तो मेरे को जाना था वसंत के घर ट्राइपॉड का पूछने के लिए, बाबा आया ना क्लिप बराबर, मस्त आ रही है, मैंने पूछ लिया, क्लिप आ रही है बराबर. तो अभी मैं पूछ गया था कि ट्राइपॉड मिला कि नहीं मिला. चलो. सो गाइस, अब मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत सीरियस टॉपिक है. सो गाइस, बहुत लोग पेटिशंस बना रहे हैं सुशांत सिंह के लिए, जो अभी पास्ड आउट हो गए, और वो लोग पेटिशन बना रहे हैं अगेंस्ट द कंपनीज लाइक सलमान खान फिल्म्स, यशराज फिल्म्स एंड करण जौहर फिल्म्स.
सो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि गाइज आप जो कर लो, पेटेशंस बना लो, कुछ भी कर लो गाइज, वो लोग बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पैसे घूमते रहते हैं बॉलीवुड के अंदर। सो गाइज अगर आपने भी पेटेशन कुछ किया है तो मत करो, आपका कोई फ़ायदा नहीं। आपकी जितनी ईयर की सैलरी उतनी वो उनके लॉयर के लिए होगी, और पहली बात वो उनकी तरफ पहुंचने नहीं वाला है पेटेशन, कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा उनके खिलाफ। वो लोग मतलब करोड़ों में भी, बहुत करोड़ों मैंने कम कह दिया, मिलियंस में उनकी बात चलती है, मिलियंस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, करोड़ से कम ही होता है। सो गाइज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मत करो ऐसा सब पेटेशन, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स होते हैं, ऐसे वैसे वो नहीं मतलब इतना फेस किए होते। आपको पता है सलमान खान ने वो ब्लैक बक वाले में भी एक दिन मतलब वो रहा भी नहीं था 2-3 घंटे प्रॉपर, और ही इज़ आउट। गाइज आपको बोल रहा हूँ समझ जाओ, और मेरा मुझे ट्राइपॉड मिल गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ, पर दिस इज़ द रियलिटी, रियलिटी को मतलब समझना पड़ेगा हमको, स्वीकार करना पड़ेगा। चलो सो गाइस कैसा लगा टाइमलैप्स बता देना। तो ये मैंने देखा कि सनसेट हो रहा है तो थोड़ा टाइमलैप्स निकाले जाए। तो गाइस मैंने कैमरा बहुत मतलब बहुत डेंजर से रखा था, मैं रुको आपको दिखाता हूँ, रख के एक और बार। ओ भाई गिरते गिरते बच गया, मैंने ऐसे रखा था कैमरा, कैसे ऐसे मैंने कैमरा रखा था गाइस, अब देख सकते हो रिस्क लेवल कितना है। सो गाइज यही होती है, रुको 2 मिनट थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। सो गाइज यही होती है यूट्यूबर्स की मेहनत। सो गाइज मेरे को भी पहले लगता था ये लोग कुछ नहीं करते, बस वीडियो उतारना है, पर मैंने सोचा कि जिसने चैलेंज लिया होगा 365 डे व्लॉग का, तो उसकी तो क्या हालत होती होगी, क्योंकि उसको रोज़ एडिट करना, बाद में सही टाइम पर अपलोड करना। सो गाइज हाँ, और एक बात और, कल शायद मैं व्लॉग 12 बजे के बाद डालूँगा या तो 10:30, क्योंकि मेरे स्कूल होते हैं और मेरे मैम का फ़ोन आया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अटेंड नहीं कर रहा था मैथ्स के क्लासेस स्कूल में ही, इसके लिए अब मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन यूट्यूब के लिए कंटेंट्स होता था, अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है एक्शन, और मुझे टेस्ट भी होते ट्यूशन में। सो गाइस व्लॉग आएगा ज़रूर, पर थोड़ा लेट आएगा, तो वेट कर लिया करो। और आज प्लान बन रहा है कि हम मैकडोनल्ड्स जाएं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। सो गाइस अभी हम खेल रहे गद्दा चोर, तो अभी पत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो हम इधर खेल रहे हैं, इधर भव्य के घर, और ये प्रार्थना अपने पापा के साथ बात करी। सो गाइस अभी खेल रहा हूँ मैं, तो अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, तो तब तक मैंने सोचा कि खेल लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे खेलते हैं। सो गाइस ये पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, नहीं मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। सो ये पत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जब सब कार्ड्स हम वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत फ्लैश आ रही है, मेरे को कुछ टेप वेप लगा देना चाहिए था, तो रुको मैं कुछ करता हूँ। सो गाइस अभी हम मैकडोनल्ड्स आ गए, तो हमारी ड्रिंक्स आ गई है और बाकी सब चीज़ें बाकी है, तो मैं मिलता हूँ जब हम खा रहे हैं तब। बर्गर आ गया है, फ्राइज़ आ गई है, और इसका ये बर्गर ये मेरे से ज़्यादा खाता है, मैंने बोला कि मेरे को मंगा दे तो भी नहीं मंगा के देता, भाई झूठ बोल रहा है ये सब, सुनो ये गरीब गरीब को यही बर्गर खाने का और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक। चलो फॉरेन में ऐसा आता है, मैं आपको खा के मिलता हूँ। सो गाइस अभी हम आ गए दादा के घर, और अभी दादा सो रहे थे, हमने उनको जगा दिया, और ये प्रशांत सो रहा है। सो गाइस अभी मिलता हूँ आपको बाद में। इसके ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, और अभी मैं घर आ गया हूँ। तो गाइस हमने मैकडी में
मतलब उधर सब बैठ के खा रहे थे, तो कार में एक बहुत अच्छा था पिटबुल था, तो मैं उसके इधर फोटोज दे देता हूँ। उसके मसल बहुत अच्छे थे और फोटोज क्लियर नहीं है, पर आई कैन प्रूव यू दैट ही वॉज अ मस्क्यूलर पिटबुल। सो गाइस, आज के लोग के लिए सिर्फ इतना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और स्टे सेफ और स्टे होम। और याद रखना, मैंने बोला था कि आप सलमान खान फिल्म्स और करण जौहर वाले फिल्म्स वाले के सामने आप कुछ नहीं हो, उनकी जितनी वकील की फीस होती है उतनी आपकी पगार भी नहीं होगी, सैलरी भी नहीं होगी। के फोटोज लास्ट में देखना जरूर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।